अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू मेहंदी क्लास 2। होप यू ऑल आर फाइन। आज हम बात करने वाले हैं सर्कल और स्केल अप पे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने पहले जो हमारा क्लास 1 थी उसमें हमने स्ट्रेट लाइन और स्लीपी लाइंस और लाइंस और फिलिंग्स इसके ऊपर बात की थी। आज हम बात करेंगे सर्कल और स्केल अप पे। ये हमारा स्टेप 2 है, ठीक है। जब भी आप मेहंदी जब भी आप क्लास लोगे तो ये आपकी बेसिक थिंग्स हैं जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। जलेबी स्टाइल है, ठीक है। ये जो मैं बना रही हूँ ना, इसको कहते हैं जलेबी स्टाइल, ठीक है। जलेबी का तरह का ये गोल गोल ऐसे, ये इसी तरह मैं अब आपको इसमें फिलिंग बताऊँगी कि फिलिंग कैसे करनी है। ये देखिए जी, ठीक है, इस तरह फिलिंग करनी है। फिलिंग तो आपको जो पहली क्लास थी मेहंदी की उसमें भी आपको जो है ना मैंने बताई थी, ये जो स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जितना सर्कल आप बनाओगे, ठीक है, गोल, उतना अच्छे तरीके से जो है ना आपकी मेहंदी खूबसूरत लगेगी, नीट लगेगी, ठीक है ना। बस इसमें प्रैक्टिस ही होती है, जैसे मैंने अपनी पहली आपको वीडियो में कहा जी। अच्छा, स्टेप 1 में हमने देखा कि हमने बड़ी बड़ी जो है ना वो जलेबी रिंग बनाई थी और सर्कल बनाया था, लेकिन अब स्टेप 2 में हम स्मॉल जो है वो जलेबी रिंग्स बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जहाँ पर भी समटाइम फिलिंग करनी होती है तो समटाइम हमें छोटी छोटी फिलिंग्स की भी ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसमें आपको छोटी फिलिंग्स भी बनानी आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसको फिल करेंगे। अब हम करने लगे हैं, सीखने लगे हैं कि स्केल अप कैसे करते हैं। ये देखिए जी, ये जो मैं आप WW से बना रही हूँ ना, इसको कहते हैं स्केल अप। अच्छा, ये स्केल अप बिग, स्केल अप स्मॉल, ठीक है, ये इसमें आता है डबल स्केल अप, ट्रिपल स्केल अप, यानी कि अगर सेकंड लाइन भी मैं स्केल अप करती हूँ तो उसको हम डबल स्केल अप कहते हैं। ये वर्ड्स, ये चीज़ें जो है ना आपको याद रखनी है, ठीक है। ये सिंगल, डबल स्केल अप, ये देखिए जी, ये अब एक और लाइन बना रही हूँ तो ये डबल स्केल अप हो गया, ठीक है। अगर थर्ड लाइन बनाऊँगी तो वो सिंगल स्केल अप हो जाएगा। अगर बड़ा बनाऊँगी ये तो फिर बिग स्केल अप हो जाएगा। आप मेहंदी के साथ साथ इन शेप्स के भी नाम जो है वो आपको आने चाहिए। इसकी भी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी बेहतर है। हाँ जी, एक बात आपने बस जहन में रखनी है, प्रैक्टिस करते हुए जो है ना कभी भी ऐसा नहीं होता कि नीटनेस आए, ठीक है ना। तो बस आपने प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये देखिए दो स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमारा थर्ड स्टेप है लीव्स का। अभी मैं आपको लीव के ऊपर क्लास नहीं दे रही, लेकिन आज मैंने थोड़ी सी वैसे ही आपको एक टच दे दिया है कि लीव्स अगर बनाने हैं हमें छोटे छोटे तो वो किस तरीके से आप बनाओगे, इसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। आज हमने सिर्फ सर्कल और स्केल अप के ऊपर जो है हमारी क्लास है, ठीक है, लेकिन आप इसकी भी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो है ना, क्लासेस में कोई भी क्लास आगे लीव्स की, लीव्स की शेप, उसमें फिर एक होता है आम शेप, इस तरह की, वो मैं आपको नेक्स्ट फिनिशर बताऊंगी। इसकी भी बहुत सारी शेप्स होती हैं मज़े मज़े की। आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लासेस ली है ना, मैं अब क्या करने वाली हूँ उसको ही यहाँ पर रिपीट करने लगी हूँ, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में, लाइक सर्कल और स्केल अप और फिलिंग और फिर दोबारा से सर्कल। अब आप ये देखें कि मैं किस तरह ऊपर के स्टेप यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ।
ये कोई स्टेप नहीं है, बस मैं ऊपर के जो हमने लीफ बनाया उसके ऊपर साथ स्केल अप किया, साथ रिंग कर दिया, ठीक है ना। वही मैं ऊपर के ही स्टेप आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से हम डिफरेंट शेप्स में जो है ना इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये भी आप देखिए जी, जलेबी स्टाइल करके और हमने इसको स्केल अप किया है। अब ये सारे सिर्फ वही मैं आपको स्टाइल दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, जिसको हमने ऊपर आपको स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री में जो है ना मैंने आपको इसकी क्लास दी थी, ठीक है। जलेबी स्केल अप, ये देखिए जी एक और स्टाइल है, इसमें भी स्केल अप किया है, फिलिंग की है हमने, ठीक है। उसके बाद दोबारा स्केल अप है, ऊपर आपने देखा कि थोड़ा सा खुला सा बड़ा सा स्केल अप है, ठीक है। नीचे हमने छोटे छोटे स्केल अप किए, ये लीव, ठीक है। और इसी तरीके से फिर हम इसको आप देखिए कि स्केल अप हम दोबारा करके, और वही सब चीज़ें मैं रिपीट कर रही हूँ। ये लाइन का जो कॉन्सेप्ट था और फीलिंग थी। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टाइल के साथ, नेक्स्ट क्लास थ्री के साथ मैं ज़रूर हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।